अव्यवस्था के दौर से गुजरते क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला में दिन प्रतिदिन डॉक्टरों के तबादले किए जा रहे हैं और अस्पताल खाली होने की कगार पर पहुंच चुका है। अस्पताल में सामान्य बीमारी जैसे सर्दी या बुखार को छोड़कर अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज होना असंभव है। अस्पताल में पहले से ही हड्डी रोग व मनोचिकित्सक ओपीडी पर ताले लगे हुए थे और अब सर्जरी के दो विशेषज्ञ और एमडी व एनेस्थीसिया विशेषज्ञ को भी शिफ्ट कर दिया गया है। अस्पताल में रिक्त पदों के संबंध में निदेशालय को तो सूचित किया गया है और निदेशालय की ओर से डॉक्टरों की तैनाती करने का आश्वासन दिया गया है। अव्यवस्था के दौर से गुजर रहे क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला में दिन प्रतिदिन डॉक्टरों के तबादले किए जा रहे हैं और अस्पताल खाली होने की कगार पर पहुंच गया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को विशेषज्ञों की कमी के चलते टांडा भी रेफर किया जा रहा है। 20 नवंबर को अस्पताल के 2-3 और डॉक्टर टांडा व अन्य जिलों को भेज दिए गए। ब्रिटिश काल के समय से अस्तित्व में आए धर्मशाला अस्पताल अब डिस्पेंसरी का रूप धारण करने लगा है। सन 1905 के दौर में कभी आधे पहाड़ी राज्य सहित पंजाब के स्वास्थ्य सुविधाओं देने वाला अस्पताल मौजूदा समय में स्टाफ की कमी के कारण मरीजों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उन्हें कुरेद रहा है। ब्रिटिश काल ही नहीं बल्कि पूर्व में अस्पताल के नाम कई उपलब्धियां रही हैं। इसमें अस्पताल को ISO सर्टिफिकेट तथा कायाकल्प का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, लेकिन अस्पताल से चिकित्सकों के शुरू हुए तबादलों के दौर के बाद मौजूदा समय में अस्पताल की कई महत्वपूर्ण स्त्री रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा मनोचिकित्सक रोग की ओपीडी बिना चिकित्सकों के बंद पड़ी है। अस्पताल की अव्यवस्था अभी भी नहीं सुधरी है, बल्कि पिछले माह एक सप्ताह में अस्पताल की लैब में बायोकेमिस्ट मशीन भी खराब हो गई है। ऐसे में शुगर, किडनी, लीवर व हृदय से संबंधित कोई भी टेस्ट यहां नहीं हो पा रहे हैं। अव्यवस्था के चलते प्रशासन को हर रोज करीब 40 से 50 हजार का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। डॉक्टर दिनेश महाजन, वरिष्ठ अधीक्षक जोनल अस्पताल धर्मशाला से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि धर्मशाला अस्पताल में डॉक्टरों व विशेषज्ञों के कुल 37 पद स्वीकृत हैं और मौजूदा समय में 23 भरे हैं जबकि बाकी रिक्त पड़े हैं। गायनी, मेडिसिन, मनोचिकित्सक व ऑर्थो के मुख्य डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। अस्पताल में रिक्त पदों के संबंध में निदेशालय को सूचित किया जा चुका है और निदेशालय की ओर से डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। जनरल हॉस्पिटल धर्मशाला में जो सैंक्शन डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ है वो 37 है। अभी हमारे पास 25 डॉक्टर अवेलेबल हैं यहाँ पे। इनमें हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट अभी खाली है, पोस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट की और ऑर्थो स्पेशलिस्ट की पोस्ट खाली है। बाकी सर्जरी में हमारे पास एक डॉक्टर हैं, गायनी में भी एक डॉक्टर हैं, ENT में 2 हैं, आई में 2 हैं, स्किन में 2 हैं, पीडियाट्रिक्स में 3 हैं, बाकी तो हैं। इसमें हमारे पास सर्जरी में 3 डॉक्टर थे पहले, इसमें से 2 अभी टांडा में सिलेक्ट हो गए हैं सीनियर रेजिडेंसी के लिए, तो एक डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं। एनेस्थीसिया में 2 डॉक्टर थे, एक की सिलेक्शन हो गई सीनियर रेजिडेंसी के लिए और एक डॉक्टर एनेस्थीसिया में अवेलेबल हैं। सर, जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला प्रदेश जिला कांगड़ा का दूसरा ऐसा अस्पताल है जिसमें काफ़ी संख्या में लोग अपना इलाज करवाने यहाँ आते हैं। दरअसल यहाँ से कोई जो चिकित्सक है उनकी काफ़ी कमी है और विशेषज्ञ डॉक्टर तो है ही नहीं है और हड्डी रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पे तैनात नहीं है।